हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों, आज की जो वीडियो स्टैंडर्ड के ऊपर है, यूसी मॉडल है स्टैंडर्ड, तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको अभी आवाज़ सुनाता हूँ। तो बेसिकली वो क्रैंक की आवाज़ है, और काफ़ी जो लास्ट टाइम मैंने क्लासिक की वीडियो बनाई थी, मतलब वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने बोला भाई हमारी गाड़ी में क्रैंक की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, क्रैंक की एक आवाज़ अलग ही होती है, और ये जो क्रैंक की आवाज़ है ये भी क्रैंक की आवाज़ है, बट क्लासिक वाली नहीं है, रेस देने में नॉकिंग की आवाज़ नहीं है, इसमें स्लो में आ रही है। तो आपको ये नोटिस करना कैसी क्रैंक की आवाज़ है, उसमें क्या क्या हुआ है, मैं खोल के बता रहा हूँ क्रैंक कैसे आवाज़ कर रही है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं बताता हूँ कि कैस क्यों इसकी वजह क्या थी, तो वो बताऊँगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो का एंड जरूर देखेगा। पहले आपको दिखाता हूँ क्या हुआ इसके अंदर। दोस्तों, ये बाइक देखिए, आपको बाइक स्टार्ट है अभी, ठीक है, एक नॉर्मल आवाज़ थी, टिक 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 आ रही, टैपिट को छोड़ के अलग से आप ध्यान से सुनिए, कच 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 टाइप की आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको ये आवाज़ सुनाता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है। बेसिकली ये जो है कनेक्टिंग रॉड का जो बैरिंग है नीचे क्रैंक में जो लगा हुआ है, ये उसका आवाज़ है, ये कच 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 अलग आवाज़ आ रही है। वो किस कैसे आ रही है, इसके लिए मुझे क्रैंक खोलनी है, और आपको बताता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है, दिखाता हूँ पूरे। तो इसके लिए पूरा इंजन खोलना पड़ेगा हमें, ये टिक टिक को छोड़ के आप भी कह रहा हूँ दोस्तों, ये टिक टिक लास्ट टाइम वीडियो में जो क्रैंक की आवाज़ थी वो लोग सो रहे टैप की आवाज़ है, हमारी बाइक में दोस्तों वो आवाज़ अलग है। देखिए टैपिट की टिक टिक की आवाज़ एक अलग है, टिक टिक ये आवाज़ अलग है, एक उसके साथ एक मिक्स हो रही है बस, कच 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 इस टाइप की। बेसिकली कनेक्टिंग रोड जो आवाज़ करती है क्रैंक की, कनेक्टिंग रोड, तो उसकी आवाज़ होती है रेस देने पे नॉकिंग करती है गाड़ी, बट इसमें कोई भी नॉकिंग नहीं है गाड़ी में, तो इसका मतलब कनेक्टिंग रोड हमारी लूज नहीं है। बट ये आई आवाज़ है कच 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 स्लो में, इसका क्या हुआ कनेक्टिंग रोड का जो बीच का रोलर बैरिंग होता है क्रैंक में, वो मैं खोलते टाइम आपको दिखाऊंगा जब क्रैंक खोल देंगे, तो वो और पिन उसकी कट गई है, तो उसकी वजह से जब बैरिंग घूम रहा है तो फ्री नहीं घूम रहा, कच 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 इस तरीके से आवाज़ आ रही है। चलिए इसके इंजन खोलना पड़ेगा हमें, इसका फुल इंजन खोलते हैं और दिखाता हूँ कैसे होगी। तो दोस्तों, क्रैंक खुल गई हमारी, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये कनेक्टिंग रॉड, ये इसको कहते हैं ब्रिज सिक्री, तो इसमें कोई आवाज़ नहीं, अब वरना जितनी क्रैंक की आवाज़ सुनी होगी आपने तो हिलाने पर आवाज़ आती है, इसमें लूज बिल्कुल भी नहीं है। बट इसका जो ये जो बैरिंग है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, खराद पर जाके इसको लेथ वर्क पर ले जाके इसको खोल के दिखाते हैं, इसका ये बैरिंग अंदर से पिन जो है इसकी बेसिकली कट गई है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, देखिए आपको तो खैर फूल भी नहीं पता, ये फील कर रहा हूँ कि यहाँ अटक रहा है, तो एक रफनेस की हो रही है क्योंकि बैरिंग बिल्कुल स्मूथ चलता है, वो इसकी स्मूथनेस खत्म हो गई, रफ है। तो बिना खोले जहाँ तक मुझे पता चल रहा है इसकी पिन एक तरफ से कहीं से कट गई है, जैसे पिन है यहाँ पे बैरिंग, क्योंकि पिन तो रुकी रहती खाली बैरिंग चलता है, तो पिन जो है इसकी एक तरफ से यहाँ से कहीं से कट गई है, ये मुझे घुमाते हुए फील हो रहा है। तो चलते हैं इसको देखते हैं, Thank you.
देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। बैरिंग तो खैर टूटा नहीं है, बट इसके आप ये देखिए, ये पिन चेंज करनी पड़ेगी, पिन कट गई है इसकी। जैसे मैंने बताया, देखिए एक साइड से ये पिन दिख रही है आपको कटी है, इस चीज़ की साउंड थी, क्योंकि ये सेम ऐसे होती है, यहाँ बैरिंग बिल्कुल फ्री चलता है, इस चीज़ की वो आवाज़ थी। चलिए इनको इतना काम करने देते हैं और गाड़ी बांधते हैं फिर उसको। करी मुंडे भैया काम अपना। तो दोस्तों ये पिन चेंज हो गई है इसकी, ये पिन न्यू डली है इसकी और लेथ से काम होकर आ गया है। जैसे मैंने देखिए एक साइड से कटी है ये, तो एक साइड से कटी थी, अब इसको बांधते हैं, सामान वॉश हो गया सारा। चलिए इसको बांधते हैं और जल्दी से बाइक स्टार्ट करूँगा, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। तो दोस्तों इंजन पूरा कंप्लीट हो गया इसका, बस आरएच कवर लगाने, जैसे मैं इंजन चढ़ाने बाद आरएच कवर लगाता हूँ क्योंकि चैन लगानी होती है, तो बस इंजन चढ़ाते हैं इसको और कंप्लीट करते हैं। देखा आपने सारा काम हो ही चुका है। चलिए इसको स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ, इंजन चढ़ा लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ।
तो दोस्तों बाइक पूरी कंप्लीट हो गई है, वॉशिंग ओके भी आ गई है और इसमें कार्बोरेटर भी न्यू डाला है। सिलेंडर किट तो आपने देख लिए थे डालते हुए, टैपिट वगैरह आपके सामने सारा काम हुआ है। आइए अब इसको स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी। इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। सुन सकते हैं आप इसकी आवाज़। आप देखिए पहले घूमते में गज 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 की आवाज़ आई थी, वो अब नहीं आवाज़ इसमें। ये डी कंप्रेसर आवाज़ करता है, लो आर पी एम पर डी कंप्रेसर की आवाज़ होती है। सुन सकते हैं इसके अंदर वो कट 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 की आवाज़ नहीं है। पहले क्रैंक की साउंड आ रही थी, तो स्टैंडर्ड का इंजन हुआ ये 42,800 पे। तो देखा दोस्तों आपने कि बाइक पूरी कंप्लीट हो गई है, आवाज साइलेंट हो चुकी है, आवाज इसमें अब नहीं है। अब मेन मसला है क्यों हुआ दोस्तों, अगर इस बाइक का मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो ये जिंकी गाड़ी है वो इतना सा भी काम में लापरवाही नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस होती है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। इस बाइक में ऑयल यूज़ होता था मोटुल का 300V। जी हाँ दोस्तों, सबसे हाई एंड मोटुल का जो बुलेट के लिए हाई एंड ऑयल है वो यूज़ हो रहा था, फिर भी हुआ। तो इसका एक रीज़न है, क्या हुआ जब आप मिनरल ऑयल डालते हैं तो वो चलती है गाड़ी 2,000 से 2,500 किलोमीटर। ठीक, एक आता है मोटुल का सेमी सिंथेटिक, वो चलते वो हम कंपनी वाले ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, मगर हम जो सर्विस करते हैं वो देते हैं 3,500-4,000 मैक्सिमम 4,500 किलोमीटर। और 300V का जो होता है वो राइडिंग के लिए काम आता है, जब कहीं आप टूर वूर करते हैं जब काम आता है, तो उसके जो किलोमीटर लिमिट कंपनी जो देती है वो देती है 10,000 का, बट हम सजेस्ट करते हैं 7,000 से 8,000 किलोमीटर, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में इंजन किलोमीटर नहीं चलता है, जो मैंने बता चुका हूँ कई वीडियो में। तो इन्होंने क्या करा, 7,000 से 8,000 किलोमीटर में इन्होंने टॉप अप नहीं किया इंजन ऑयल, तो उस दौरान बीच में थोड़ा बहुत ऑयल गाड़ी का कम हुआ होगा, तो इस बीच में 3 बार टॉप अप हो जाना चाहिए था, जो 2,000 पे 2,000 4,000 6,000 फिर 8,000। उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से बाइक सूखी चली, सीधा वो 8,000 पे ले गया, तो ऐसी आवाज़ आपके सामने देखिए क्या आवाज़ निकली। तो बस इसका रीज़न यही था क्योंकि बाइक सूखी चल गई थी, अगर वो सूखी नहीं चलती टॉप अप पूरा टाइम से करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंतजार करें नए वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टैंडर्ड 350 बहुत ही जल्द, जैसे आज तारीख हो गई, आज दिसंबर का एंड है, 31 दिसंबर 2019 है, तो जनवरी 31 और क्या बोला मैंने, दिसंबर 31 सही में जी। तो आज ये लगता है, इधर देख के बताओ, इधर देख कैमरे में देख के बताओ, मैं कर लूंगा करने में, हाँ कैमरे में देख के बताओ भाई, मैं बोल कर लूंगा मैं, तो ये बताएंगे, बताओ कैमरे देख के बोलो कुछ, क्या बताएं, 4,000 6,000 फिर 8,000 पे चेंज, क्या वो गाड़ियों से तो आज का जो काम हमने बहुत मतलब खूबसूरती के साथ किया, इधर देख के बोल, आज पूरे दिन हमने गलती नहीं की और आज खाली को, आज जो दो थप्पड़ पड़े तुम्हारे, ये थप्पड़ पड़े तो ये तो अंकर सिंह बन जाएंगे, देते जनवरी 31st, तो आज डेट है 31st जनवरी 2019, तो इसके कुछ ही दिन में मतलब हफ्ते से 10 दिन के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। एक 31st क्या है, 31st मतलब 31 31 बोलिए ना, हमें सिखाओगे तुम।